प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को करोड़ों की सौगात दी। अहमदाबाद में किसान संवाद, पीएम बोले किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे। गुजरात के मेहसाणा में पीएम मोदी ने किया रोड शो, वालीनाथ धाम महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली, लालू, राहुल, सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल। 12 जोड़ों न्याय यात्रा में 25 फरवरी को शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी के साथ आ सकते हैं नजर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की 7 सीटों पर बनी सहमति, सूत्रों का दावा कभी भी हो सकता है 4-3 के फॉर्मूले का ऐलान। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, आम आदमी पार्टी को 10 में से 1 सीट दे सकती है कांग्रेस। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला, कहा एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश। आंध्र प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस का सचिवालय मार्च, प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मामले में छापेमारी, सत्यपाल बोले बेवजह किया जा रहा परेशान। हीरानंदानी ग्रुप के कई दफ्तरों पर ईडी के छापे, महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले में हीरानंदानी ग्रुप का नाम चर्चा में आया। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा 7वां समन, 26 फरवरी को दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। किसानों ने 2 दिन के लिए टाला अपना दिल्ली कूच, आज और कल 2 दिन शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे किसान। खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत पर हुआ बवाल, प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम किया। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का बड़ा आरोप, कहा खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की फायरिंग में किसान की हुई मौत, 78 किसान हुए जख्मी। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों की बैठक, आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बना रहे। किसानों को बनाने की कोशिश में जुटी सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले समाधान ऐसा हो जो सबके हित में। किसान नेता राकेश टिकैत की किसानों से अपील, कहा देश के सभी किसान एकजुट हों, अलग थलग नहीं पड़ना चाहिए पंजाब का किसान। पीएम मोदी ने लिखा अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्ल्ड लीडर्स अप्रूवल रेटिंग में 77% पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को दी मंजूरी, 20,000 करोड़ से ज्यादा की मिसाइल खरीदेगी नौसेना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, संदेश खाली के पीड़ितों से कर सकते हैं मुलाकात। संदेश खाली में फिर से मचा विवाद, इलाके की महिलाओं ने शेख शाहजहां के भाई पर लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप, एक झोपड़ी में भी आग लगाई। बीजेपी ने संदेश खाली पर डॉक्यूमेंट्री जारी की, लिखा संदेश खाली का सच जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही। संदेश खाली पहुंचा अनुसूचित जनजाति डेलीगेशन, घटना को लेकर वहां मौजूद पीड़ितों से मुलाकात। स्मृति ईरानी ने अमेठी वाले नए घर में किया गृह प्रवेश, विद्वान ब्राह्मणों ने संपन्न कराई पूजा, पति जुबिन ईरानी भी साथ थे। दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ का वीडियो सामने आया, पेड़ का सहारा लेकर नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते दिखे जवान। महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने किया हंगामा, पिकनिक के दौरान मासूम बच्चों के साथ बदसलूकी कार। कश्मीर दौरे पर क्रिकेट खेलते नजर आए सचिन तेंदुलकर, सड़क को बना दिया मैदान, स्थानीय लोगों के साथ खेला क्रिकेट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान से मचा हाहाकार, एवलॉन्च के बाद 2 विदेशी समेत 4 लोग लापता, 1 की मौत। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर में जम गई करीब 6 फीट बर्फ, इस समय धाम में मौजूद है आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु संत।